आप दोनों हमारे दर्शकों को अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमीषा चौधरी है और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ मिसेज इंडिया लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन की, जो एक नेशनल लेवल पे ब्यूटी पैजेंट है मैरिड लेडीज के लिए। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं विनर हूँ दाइदा मिसेस इंडिया लेगेसी की और अब विनर हूँ मिसेस एलीट यूनिवर्स की, जो अभी फिलीपींस में हुआ 2023। मैम, जस्ट एक बार दर्शकों को बता सकेंगे कि आपकी जर्नी किस प्रकार से शुरुआत हुई उस बारे में? बहुत खूबसूरत जर्नी थी। हम ये 46 सीज़न है, सबसे पुराना सीज़न है मिसेस यूनिवर्स का, और मैं वहाँ गई, भारत को रिप्रेजेंट किया और काफ़ी खूबसूरत औरतें, काफ़ी पूरे विश्व से 90 से ज़्यादा औरतें वहाँ आई थी, जिन्होंने अपने आप को इतना खूबसूरत दिखाया। उसमें से मैं भी गई, अपने भारत को वहाँ रिप्रेजेंट किया नीलकंठ के तौर पे, जो कि शिव जी का प्रतीक है और साथ ही एक शुभ चिंतक माना जाता है, जी एक पंछी है जिसको शुभ माना जाता है कि हमें अगर वो दशहरे में दिख जाए तो हमारा पूरा साल बहुत अच्छा होता है। तो मैंने नीलकंठ को वहाँ रिप्रेजेंट किया था। जी, मैं ये जानना चाहेंगे कि ये एक अनोखा प्लान है, बहुत कम लोग नीलकंठ के बारे में जानते हैं, और किस प्रकार से इसे आपने उतारा, समझाया, उसके लिए डिजाइन की किस तरह की तैयारियाँ हुआ? जब नेशनल कॉस्ट्यूम के बारे में बात होती है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो लोटस को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अपने हिंदुस्तान जो नेशनल बर्ड है पीकॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं, हमने पहले उसकी लिस्ट बनाई, तैयार की गई कि जो जो चीज़ें रिपीटिवली होती जा रही हैं इंडस्ट्री में, हमें वो ही नहीं करनी है, तो कुछ हमें हट कर के अलग करना है। और जिन चीज़ों के बारे में बातें नहीं होती हैं, जिनको बहुत मान्यता दी गई है और जो चीज़ें हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जिनको बहुत कम आगे लेकर के आया गया है, और इसी सोच से हमने आगे बढ़ के नीलकंठ के बारे में सोचा। थोड़ा सा मुश्किल रहा क्योंकि जो डिज़ाइनर थे वो हिंदुस्तान से नहीं है, वो एक इंडोनेशियन डिज़ाइनर है, तो मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए और सोचते हुए कि एक इंडोनेशियन डिज़ाइनर ने बिल्कुल भारतीय संस्कृति जो है नीलकंठ जो है हूबहू वैसे ही उन्होंने उतार दिया उस कॉस्ट्यूम पर, उसकी बारीकी, उसकी एक एक चीज़, उस पंछी के पंख हों, चाहे उसका जो हमने मुकुट बनाया जिससे ये दरस रहा था कि ये नीलकंठ है, वो बहुत ही बारीकी से काम किया गया। लगभग 2 महीने लगे उसे बनाने में और हम तक पहुंचने में भी 15 से 20 दिन लगे, तो काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन वो इंतज़ार करना वर्थ था, और क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगा। उसको हमने जाकर के अरावली जंगल्स में जाके हमने शूट किया, हमने इंडोर शूट भी किया, हमने आउटडोर शूट किया पहाड़ों में, पानी के बीच में, और बहुत ही खूबसूरत विशाल पंख जो हैं उसके बनाए गए, आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो इसी को लेकर के हम लोग हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट, आई थिंक जैसे कंचन ने कहा कि नीलकंठ को देखना बहुत शुभ माना जाता है और आपका पूरा साल अच्छा जाता है, मुझे लगता है वही हमारे साथ हुआ। हम नीलकंठ बनकर के वहाँ गए और हमारा पूरा साल जो है बहुत खूबसूरत, और पूरा साल ही नहीं, मैं कहूँगी कि ये जो पल हैं ये तो हमेशा ही साथ रहने वाले हैं, ये जो टाइटल है ये हमेशा साथ रहने वाले हैं, वो 10 दिन और ये पिछले 3 से 4 महीने की तैयारी, ये बहुत ही लकी है हम सबके लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपसे जानना चाहेंगे कि ताज का खिताब, यानी बहुत बड़ा ड्रीम होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, और जब ये आपको नवाजा गया तो क्या कुछ फीलिंग थी, किस तरह की खुशियाँ थी, उसे थोड़ा बयान करना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि सबकी मेहनत होती है, सिर्फ अकेले किसी एक की मेहनत नहीं होती, मेरी डायरेक्टर की मेहनत है, उनकी टीम की मेहनत है, फोटोग्राफर्स की मेहनत है, मेरे परिवार की मेहनत है, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मेरे बच्चों ने मुझे उस दिन तक छोड़ा कि मामा आप करके आओ, और मेकअप आर्टिस्ट जो हर जगह दिल्ली के, पूना के और यहाँ के, बॉम्बे के मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी मेहनत है, और साथ ही साथ पूरी दाइदम टीम की मेहनत है मेरे पीछे, तब ये ताज मेरे सर पे है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है खिताब जीतने के पहले कि हौसला अफजाई किस प्रकार से उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार से आपने प्रोत्साहित किया, किस प्रकार से हौसला? आई थिंक ये पोजिशन मेरी हमेशा से रही है,
जब भी कोई हमारी क्वीन इंटरनेशनल जाती है तो बीच में कई बार जो है हौसला जो है कमज़ोर पड़ जाती है, कभी इमोशनल हो जाती है, कभी नर्वस हो जाती है, तो उस वक्त जो है कि मुझे हौसला बनाए रखना पड़ता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको मोटिवेट रखूँ, पॉजिटिव उनको हमेशा रास्ता दिखाऊँ कि नहीं, यू कैन डू इट। तो एज अ चीयर लीडर एंड एज अ यू नो ऑलवेज अ मोटिवेशनल फ्रेंड और मेंटोर यू कैन से, मैं हमेशा से अपनी हर विनर और हर क्वीन के साथ खड़ी रही हूँ। बीच में काफ़ी ऐसे पड़ाव आते हैं जब आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो ये सोच के कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ पे और मेरे बाजू में 90 लोग खड़े होंगे, तो कोई भी सोच के एक बार तो डर लगता ही है। अगर मैं अपने ऊपर भी अगर ये बात लूँ, कंसिडर करूँ कि मुझे ही क्यों ना जाना पड़े कल को, तो मैं भी थोड़ी सी नर्वस तो हो ही जाऊँगी। तो होता है, नर्वसनेस आती है और बीच बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेशन कभी कभी हो जाता है, तो उस वक्त मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि हौसला बनाए रखूँ, मोटिवेट करूँ, और अगर मैं मोटिवेट नहीं करूँगी तो मेरी टीम कमज़ोर पड़ेगी, टीम कमज़ोर पड़ेगी तो वो इफ़ेक्ट है जो डेलीगेट पे ज़रूर आएगा। तो हम लोग फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोगों ने 18-18 घंटे भी शूट किया है, जो आउटडोर शूट मैं आपको बता रही हूँ, जंगल में जाना, सफ़र करना। हम लोग ताजमहल पर गए, हम लोग स्पेशल आगरा शूट करने गए कि हम लोग जो अपनी जर्नी है ताज से शुरू करें, शायद ताज इंडिया गेट को सब लोग दर्शाते हैं, जो दिल्ली से जाते हैं, बम्बई से जो जाते हैं वो गेट फॉर इंडिया को हमेशा उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत कम होता है ऐसे जो ताजमहल के बारे में बात की जाती है, तो हम स्पेशल आगरा गए ताजमहल पे कंचन को लेके शूट करने कि हम इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो बहुत ही एक अजूबा है ताज, हमारे पूरे विश्व में जिसे माना जाता है, दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, और इसी पॉजिटिव सोच के साथ हमने अपनी जो तैयारियां शुरू करी थी। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट जो है हम पूरी तैयारियों में हमने रखे थे, जैसे ताजमहल हो गया, नीलकंठ हो गया, और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में जैसे मैंने बात की कि वहाँ पर क्या स्थिति चल रही है डोमेस्टिक अब्यूज़ केसेस को लेके, तो उस पर तैयारियां की गई। तो बहुत ही मेहनत लगी है सभी की, पूरी टीम की, कंचन की, हमारी, तो हम कामयाब हुए और मैं बहुत खुश हूं और गर्व करती हूं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब अमेरिका अपने गर्दिश में था, बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने, तो उनकी एक लाइन थी, आई कैन, बस इतनी लाइन थी जो एक कम्प्लीट लाइन है। जब आप नर्वस हुई तो कौन सी एक लाइन आपने रिपीट की अपने दिल के अंदर? Not now, then when? Yes. अब नहीं तो कब? यही तो टाइम है, भविष्य किसी ने नहीं देखा, आज है, आज ही करना है और आगे जाना है। नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास, वन बाय वन मैं उसे करती जाऊँगी, और जितना मेरे से हो सके मैं औरतों के लिए काम करूँगी, गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना चाहती हूँ, अपने छत्तीसगढ़ के लिए काम करना चाहती हूँ, वहाँ की महिलाओं के लिए नहीं, पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए, जो मेरे पास आए मैं उनके लिए ज़रूर काम करूँगी। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, मिसेस इंडिया लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी फिलीपींस में तिरंगा लहरा के आया है, अब हम तैयारी कर रहे हैं मलेशिया जाने की, अगले 3 से 4 महीने में हमें दोबारा से अपने इंडिया की रिप्रेजेंटेशन देनी है मलेशिया में, मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी दूसरी रिप्रेजेंटेटिव है, जो डेलीगेट हैं, उनको हमें इसी खूबसूरती से तैयार करना है, इतनी ही मेहनत के साथ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट विद माई एंटायर टीम। रही बात मिसेज एलीट यूनिवर्स की, तो इनके काफ़ी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो डाइडम ग्रुप ऑफ पैजेंट्स हमारे साथ ही हम इन्हें लेकर के अगले इनके रेनिंग पीरियड तक 1 साल तक जो है हम काम करेंगे। पाइपलाइन में इनको काफ़ी ट्रैवल करना है, शी हैज़ टू ट्रैवल एज अ ज्यूरी मेम्बर टू लॉट ऑफ कंट्रीज, इनके इन्विटेशन आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं जब आप कुछ हासिल करके आते हैं बाहर से, सो वी आर थ्रिल्ड।